गढ़ को मैं आई मम्मी को बुझा दे। जा बाबू जा, अभी तो आप तंग मत कर। अब आओ। कहाँ हूँ? घर। चल घर जा बाबू। जाओ फिर भाग के जाओ। बाय। जा जा। हाँ कहीं सांप होगा, जा अच्छे से जा। नहीं। हेलो दोस्तों, बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप सभी लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर रही हूँ मैं खूबसूरत पहाड़ियों के बीच से। जो आई हूँ मैं रोज़ की तरह जंगल घास काटने के लिए। आधा घास हो गया है ये और आधा और काटना है। और आज का व्यू देख सकते हो आप लोग। अभी सुबह हो रहा था बारिश आने जैसा, उसके बाद रास्ते में ठीक था, फिर यहाँ पर पहुँचे तो लगी बहुत तेज़ धूप। और अब बारिश भी आई है और धूप भी आई है। मैं दिखा लेती हूँ आप लोगों को एक बार। ये आई है धूप और बारिश। और यहाँ पर अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पर घास बनाने के बाद। आधा बना रखा है, आधा और बनाना है तो पेड़ के नीचे जहाँ पर बारिश कम आ रही है। हमारी पहाड़ी भाषा में इसे कहते हैं घमदेव। घमदेव का मतलब हुआ, हम लोग कहते थे कि आज श्याला ब्याह से, मतलब लोमड़ी का आज कहीं ना कहीं श्याला ब्याह उमड़ी हो तब घमदेव उमड़ी। अभी बारिश कम हो गई है, अब मैं भी काटती हूँ घास। और मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाती हूँ चींटियों का घर जो यहाँ पर बना रखा है उन्होंने। तो कई प्रकार के घर होते हैं उनके, एक इस टाइप का होता है, एक दूसरा वाला होता है। दूसरा वाला भी दिखाऊंगी मैं कभी आपको, अभी ये वाला दिखा लेती हूँ। ये है चींटियों का घर जो चींटियों ने बना रखा है। अभी बारिश की वजह से कम आ रहे हैं, अंदर चले गए चींटियाँ। तो मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ दिन के 12:15 बजे से। अब थोड़ा बनाना है घास, फिर हम जाएंगे। अभी मौसम साफ हो ही गया है। यहाँ पर है बकरियों के लिए शौले और यहाँ पर है घास। तो ये बांध ली है भारी, अब जाते हैं घर की ओर। हम पहुँच गए हैं अब घर। थोड़ा है यहाँ से घर जाना। तो घास से आने के बाद मैंने घर का छोटा मोटा काम किया, फिर मैंने चाय पी, उसके बाद नहा धो के जा रही हूँ अभी मैं पूर्वी को लाने के लिए। अभी बज रहे हैं दिन के 1:45। अभी मौसम खुल गया अच्छे से, अच्छी वाली धूप आ गई है अब। तो यहाँ का व्यू है ये खूबसूरत सा। और इसी के साथ आप मौसम भी देख सकते हो, खुल गया है अभी, आई है धूप और उस साइड को आए हैं बादल। अब पूर्वी भी पहुँचने वाली होगी तो मिलती हूँ मैं सीधे आपसे आगे। तो आ गई है पूर्वी स्कूल से। जीते रहे कल पूर्वी पानी नहीं ले जाती है स्कूल से, वह तो अभी मैं लेके आई पानी। खाना खा के मैं आ गई हूँ खेत में। अभी बज रहे हैं शाम के 3:45 हो रहे हैं। तो आई तो मैं खेत में हूँ मडवा काटने के लिए, लेकिन मैं दूसरे रास्ते आई क्योंकि यहाँ पर धान भी देखने थे कि कब हो रहे हैं करके। अभी धान अभी नहीं होने वाले, लगने वाला है, 1-1.5 हफ्ता लग ही जाएगा धान होने में। अभी कब से आई भी नहीं थी इस वाले खेत में, तो आज देखने के लिए आई थी कि धान कब तक होने वाले हैं। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ यहाँ के धान। ये है धान का खेत जो 1-1.5 हफ्ते में हो जाएंगे, शायद ज़्यादा भी लग सकता है समय। और इसी के साथ आप देख सकते हो यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। अभी मौसम कुछ इस प्रकार का हो रहा है। तो यहाँ पर चल रही है बहुत ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी वाली हवा, देख सकते हो आप लोग। इतनी अच्छी अच्छी मस्त मस्त वाली हवा चल रही है यहाँ पर। अभी आ गई हूँ मडवे वाले खेत में। तो पहले हमने काट लिया था ज़्यादा वाला मडवा, अभी कोई कोई बचा है तो ये है।
तो मैं इसको काटूंगी, ज़्यादा नहीं है, कोई कोई है। फिर उसके बाद मैं घास नहीं, यही नलों काट के ले जाऊंगी घर में। तो ये है ककड़ी जो दीदी ने दी, इसको मैं खाऊंगी। ये लगी थी वो नीचे, वो दिख नहीं रहा है अभी। जो ये ककड़ी है बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही है ये वाली ककड़ी, क्योंकि ये हरी है ना और छोटी भी है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। मडवा भी काट लिया है मैंने और साथ ही मैं नलों भी काट लिया है और ककड़ी भी खा ली है। अब जाती हूँ मैं घर। ये है शाम के 6:30 बजे का दृश्य, जो पूरा आसमान हो रहा है लाल लाल, केसरिया हो रहा है। और ये है व्यू। यहाँ पर ले रहे हैं मम्मी और बहनी सेल्फी। दोबारा अब दिखा रही है ये। हेलो गाइस, मेरे बाल काट दिए, देखो। आपने देखा तो लाइक करें, मेरी वीडियो पसंद आई तो अच्छा बड़ा मिलते हैं। बाय।